fx is 2x plus 3 and f of gx is equal to 3x plus 4. Then find the function gx. Then find the function gx. 3x plus 1 by 2 अभी चलो देखो आपको f ऑफ जी एक्स की वैल्यू गिवन है 3x प्लस 4. क्या गिवन है? देखो f ऑफ जी एक्स ये गिवन है 3x प्लस 4, साथ में fx भी गिवन है. ये f ऑफ जी एक्स का मतलब है कि इसमें x को रिप्लेस कर रहे हैं जी एक्स. तो जब आप f of gx लिखोगे तो ये हो जाएगा 2gx plus 3. x की जगह पे अगर gx लिख दूँ तो f of gx बनेगा 2gx plus 3. तो वहाँ पे हमने f of gx की वैल्यू डाल दी 2gx plus 3. This is 3x plus 4. तो यहाँ से 2gx आ जाएगा 3x plus 1. और इसलिए gx की वैल्यू हो गई 3x प्लस 1 बाय 2. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात. इफ f ऑफ gx is equal to 2x square minus 3x minus 4. F of gx is 2x square minus 3x minus 4 and gx is equal to 2x minus 1. Then find the function fx.
क्या बोल रहे हैं सर? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये आंसर आ रहा है। अभी देखता होगी तो अगेन आपको गिवन है एफ ऑफ जी एक्स, ये गिवन है टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर। ध्यान से समझोगे, इसमें जी एक्स की वैल्यू रख दी, जी एक्स की वैल्यू गिवन है टू एक्स माइनस वन, तो एफ ऑफ टू एक्स माइनस वन हो गया टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर। जी एक्स गिवेन था टू एक्स माइनस वन, और अब अगर इसमें मैं टू एक्स माइनस वन को टी सपोज कर लूं तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी टी प्लस वन बाई टू, तो यहां से अब ये बन जाएगा एफ टी। टू एक्स माइनस वन की जगह पे टी लिख दिया एफ टी, और राइट साइड पे एक्स की जगह पे रख दो टी प्लस वन बाई टू, तो टू टाइम्स टी प्लस वन बाई टू स्क्वायर, थ्री टाइम्स टी प्लस वन बाई टू माइनस फोर। टू एक्स माइनस वन को अगर टी रखोगे तो एक्स हो जाएगा टी प्लस वन बाई टू। सिंप्लीफाई करो तो एफ टी हो गया टी स्क्वायर प्लस टू टी, डिनोमिनेटर में फोर आएगा, टू से मल्टीप्लाई हो रहा था बचेगा, माइनस थ्री टी प्लस थ्री बाई टू होगा माइनस फोर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ टी हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस वन माइनस सिक्स टी सॉरी माइनस थ्री टी माइनस थ्री माइनस एट बाई टू, एंड देन फाइनली एफ टी हो गया माइनस टी माइनस एट बाई टू। और ये जब एफ टी है तो टी को एक्स से रिप्लेस कर देंगे तो एफ एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एट बाई टू। क्या बोल रहे हो? वन और माइनस इलेवन माइनस टेन आएगा, बिल्कुल। टू से मल्टीप्लाई हो रहा था ना वहां पे, तो ये माइनस टेन होगा यहां पे इनका, तो ये फंक्शन इफेक्ट हो गया। फंक्शन इफेक्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टेन बाई टू। टी को वापस आपने एक्स रिप्लेस कर दिया, अगर टी इज इक्वल टू एक्स लिख देंगे तो इफेक्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टेन बाई टू। कुछ लोगों को शायद कंफ्यूजर हो रही होगी कि टी एक्चुअली हमने 2x माइनस वन को बोला था, तो टी की जगह पे 2x माइनस वन लिखेंगे। एक्चुअली वो नहीं कर रहे हम कि हम टी की वैल्यू नहीं रख रहे, हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं कि अगर टी को x से रिप्लेस कर दें तो टी को अगर x से रिप्लेस कर दें तो वो एफ टी है या एफ एक्स, जैसे ऐसे भी बोलिए ना। अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो भाई आपसे कोई पूछेगा एफ टी क्या है तो आप बोलोगे एफ टी इज इक्वल टू साइन टी है। अगर आपसे कोई पूछेगा एफ पी क्या है तो एफ पी इज इक्वल टू साइन पी है। अगर कोई पूछेगा आपसे एफ जेड क्या है तो एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड है। जस्ट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, वेरिएबल को हम किसी से भी रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि वेरिएबल का मतलब है कि एक्स की कोई भी वैल्यू इसमें हो सकती है। तो अगर ये एफ टी है, पीछे इससे आपको कुछ नहीं मालूम है, अगर सिर्फ ये गिवन है कि ये एफ टी है और आपसे कोई पूछे एफ एक्स क्या होगा तो आप टी को एक्स लिख दोगे, एफ एक्स ही हो जाए, एफ जेड क्या होगा तो आप टी को जेड लिख दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, बात ना करें, लिखें क्वेश्चन। एफ एक्स इज इक्वल टू
एक्स माइनस टू ओवर एक्स प्लस वन, एक्स माइनस टू ओवर एक्स प्लस वन। फाइंड एफ ऑफ एफ, तीन बार है एफ ऑफ एफ एक्स। ऑल्सो राइट इट्स डोमेन, एफ ऑफ एफ का डोमेन क्या होगा। ऑल्सो राइट इट्स डोमेन, दोनों सबको कर दो थोड़ा थोड़ा एक मिनट। और रेंज डोमेन क्या है इसका? यस सर, देखो गे आपको क्या चाहिए, एफ ऑफ एफ ऑफ एफ। तो पहले तो हम एफ ऑफ एफ एक्स निकालते, ध्यान से देखिएगा। जब एफ ऑफ एफ एक्स, इधर देखो स्क्रीन पे देखो, एफ ऑफ एफ एक्स, ये एफ एक्स है। एफ ऑफ एफ एक्स का मतलब है इसमें एक्स को रिप्लेस कर रहे एफ एक्स है। अगर एक्स की जगह पे एफ एक्स डाल देंगे तो ये एफ ऑफ एफ एक्स बन जाएगा। तो इसमें जहां जहां पे आपको एक्स दिखाई दे रहा है उसकी जगह पे एफ एक्स लिख दो, तो ये बन गया एफ एक्स माइनस टू ओवर एफ एक्स प्लस वन। f of fx यानी x की जगह पे रखा fx, और अब इसमें fx की वैल्यू डाल दो। fx की वैल्यू क्या है, x minus 2 over x plus 1। इसमें जहां जहां पे fx दिखाई दे रहा है उसकी जगह पे x minus 2 over x plus 1 लिख दो। x minus 2 over x plus 1 minus 2, x minus 2 over x plus 1 सॉल्व करोगे तो न्यूमरेटर पे आएगा x minus 2 माइनस टू एक्स माइनस टू,
डिनोमिनेटर रहेगा माइनस टू प्लस एक्स प्लस, तो ये बन गया माइनस एक्स माइनस फोर ओवर टू एक्स माइनस वन। चेक कीजिए सही है, ये एफ ऑफ एफ एक्स होगा। लेकिन आपको फिर से एक बार कंपोजिट लिखना है, एफ ऑफ एफ लिखना है। तो फिर से अगर लिखेंगे एफ ऑफ एफ एक्स, ये अगर लिखें तो इसकी वैल्यू को हम निकाल चुके हैं एफ ऑफ एफ एक्स की सेकंड स्टेप में। तो इस एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू डाल दो जो वो है माइनस एक्स माइनस फोर ओवर टू एक्स माइनस वन। तो ये हो गया एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस फोर ओवर टू एक्स माइनस वन। आपने इस वाले की वैल्यू डाल दी एफ ऑफ एफ एक्स की, एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू आपने सेकंड स्टेप पे निकाला होगा माइनस एक्स माइनस फोर ओवर टू एक्स माइनस। और अब ये चीज तो वापस आप ओरिजिनल फंक्शन को देखो, ये एफ एक्स है, एफ एक्स की वैल्यू है। अब आप लिखना चाहते हो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस फोर ओवर टू एक्स माइनस वन, यानी इसमें एक्स की जगह पे ये रख देना, एक्स की जगह पे रख देना माइनस एक्स माइनस फोर ओवर टू एक्स माइनस वन। यानी इसमें जहाँ जहाँ एक्स दिखाई दे रहा है उसकी जगह पे ये लिखिए माइनस एक्स माइनस फोर ओवर टू एक्स माइनस वन। यहाँ पे इस वाले में x की जगह पे रखना है माइनस एक्स माइनस फोर ओवर टू एक्स माइनस वन। तो बना क्या ये माइनस एक्स माइनस फोर ओवर टू एक्स माइनस वन माइनस टू, माइनस एक्स माइनस फोर ओवर टू एक्स माइनस वन प्लस वन। सॉल्व करोगे तो माइनस एक्स माइनस फोर माइनस फोर एक्स प्लस टू, डिनोमिनेटर पे माइनस एक्स माइनस फोर प्लस टू एक्स माइनस वन। फाइनली ये हो जा रहा है माइनस थ्री एक्स माइनस टू, ये हो जा रहा है माइनस फाइव एक्स माइनस टू ओवर एक्स माइनस फाइव। ये हो गया एफ ऑफ एफ एक्स। अब आपसे पूछा गया है कि एफ ऑफ एफ एक्स का डोमेन क्या है, डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू जहाँ पे ये डिफाइंड है या एक्स की वो वैल्यू जहाँ पे डिफाइंड है वो डोमेन से हटा देते हैं। तो एक तो ऑब्वियस दिखाई दे रहा है कि ये फंक्शन फाइव पे डिफाइन नहीं होगा, अगर एक्स को फाइव रखेंगे तो डिनोमिनेटर जीरो है। बात करें कि इसका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट फाइव, जो आप गलत बोल रहे। इसमें कंपोजिट फंक्शन का जब डोमेन लिखते हैं तो ओरिजिनल फंक्शन से शुरू करते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये एग्जिस्ट तभी करेगा जब ये एग्जिस्ट करे। अगर किसी पॉइंट पे यही एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो फिर ये कैसे एग्जिस्ट करेगा, फिर अगर किसी पॉइंट पे यही एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ये कैसे एग्जिस्ट करेगा। तो कंपोजिट फंक्शन का डोमेन ओरिजिनल फंक्शन से शुरू करते हैं और घूमते हुए आते हैं बिल्कुल आखिरी तक। यानी हम सबसे पहले देखेंगे कि एफ एक्स कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, एफ एक्स माइनस वन पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो अगर माइनस वन पे एफ एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ये भी माइनस वन पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर एक्स को माइनस वन रखेंगे तो यही कहेंगे कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो पहले तो ये माइनस वन पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, फिर दूसरे वाले पे आएंगे, दूसरा वाला कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, हाफ पे। अगर एक्स को हाफ लोगे तो इसका डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। और फिर तीसरे वाले पे आएंगे, ये कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, फाइव पे। तो हम कहेंगे इसके डोमेन में तीन पॉइंट ही है, कौन कौन से तीन पॉइंट ही है, माइनस वन हाफ और फाइव। तो लिख लो एफ ऑफ एफ एक्स is not defined, f of fx is not defined when x is equal to minus 1, half and 5. सबसे पहला वाला minus 1 पे defined नहीं है, दूसरा वाला half पे defined नहीं है, तीसरा वाला 5 पे defined नहीं है। इसलिए जो domain लिखोगे इसका f of fx का, domain of f f, ये होगा all real numbers except these three points, कौन कौन से, माइनस वन हाफ एंड फाइव। तो ये ध्यान रखिए कि कभी भी आप कंपोजिट फंक्शन का डोमेन देख रहे हैं तो बिल्कुल इनिशियल फंक्शन से चेक करते हैं फाइनल की तरफ। जैसे अगर मान लो आप इसका डोमेन देख रहे हो, अगर ये नोट हो गया तो मैं आगे बोलू, नोट हो गया ये, मान लो आप डोमेन देख रहे हो एफ ऑफ जी एक्स का, तो पहले आप जी एक्स का जो अंदर वाला फंक्शन है वहां से शुरू करते हैं। पहले आप जी एक्स का डोमेन चेक करोगे, उसके बाद एफ ऑफ जी एक्स का चेक करोगे। अगर इसमें एक और लगा दूं एफ ऑफ जी एक्स, तो पहले जी एक्स का डोमेन चेक करोगे, फिर एफ ऑफ जी एक्स का चेक करोगे, उसके बाद एच ऑफ एफ ऑफ जी एक्स पे आओगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन के एफ एक्स इज इक्वल टू वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन थ्री ओवर मॉड एक्स माइनस फोर. एफ एक्स इज वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड जी एक्स इज थ्री ओवर मॉड एक्स माइनस फोर. फाइंड जी ऑफ एफ एक्स, फाइंड जी ऑफ एफ एंड ऑल्सो राइट इट्स डोमेन. जी ऑफ एफ फाइंड करें एंड देन इसका डोमेन लिखें. हो गया? Yes, क्या चाहिए था इस बार आपको? जी ऑफ एफ एक्स. ध्यान दोगे तो
जी ऑफ एफ एक्स, इधर देखो, इधर यहां देखेंगे, जी ऑफ एफ एक्स का मतलब हो गया कि जो सेकंड फंक्शन जी एक्स है उसमें हम x की जगह पे एफ एक्स लिख दे रहे हैं, तो x की जगह पे एफ एक्स लिख देंगे तो हो जाएगा 3 ओवर मॉड एफ एक्स माइनस 4। बोलो सही है ये, 3 ओवर मॉड एफ एक्स माइनस 4। और अब इसमें एफ एक्स की वैल्यू डाल दो तो ये हो गया 3 ओवर मॉड एफ एक्स, एफ एक्स क्या है 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 4, माइनस 1 कर दो, इतना गुस्से में क्यों बोल रहे हो, 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4, ठीक है ये। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 3 टाइम्स मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1 और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 4 टाइम्स मॉड एक्स स्क्वायर माइनस। बोलिए सही है, बोल भी दो, ये जी ऑफ एफ एक्स निकल गया, ये 1 ओवर मॉड एक्स, 1 का मॉड तो वही रह जाएगा, नीचे मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये ऊपर, अल्टीमेटली ये जी ऑफ एक्स। नॉन स्क्वायर डोमेन चलिए, अभी मैंने कहा कि कंपोजिट का डोमेन देख रहे हो तो शुरुआत वाले फंक्शन से देखते हैं, यानी आपको जी ऑफ एफ एक्स देखना है तो पहले एफ एक्स को देखोगे, और ऑब्वियसली एफ एक्स डिफाइन नहीं होगा अगर इसका डिनोमिनेटर 0 हो गया, मीन्स अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 0 हो गया तो ये डिफाइन नहीं है, तो ये डिफाइन नहीं है कौन से दो पॉइंट पे, 1 एंड माइनस 1। उसके बाद कहेंगे कि जी ऑफ एफ एक्स डिफाइन नहीं होगा अगर ये वाला डिनोमिनेटर 0 हो, तो लिख लीजिए जी ऑफ एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, जी ऑफ एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड इफ, क्या क्या होगा, एक तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर 0 हो गया तो डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर 0 हो गया तो ओरिजिनल फंक्शन एफ एक्स ही डिफाइन नहीं है, और दूसरा फिर क्या कि 1 माइनस 4 मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर 0 है। बोलिए ठीक है ये, पहले तो एफ एक्स को देख रहे हैं, एफ एक्स डिफाइन नहीं है अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 0 हो जाएगा, उसके बाद जी ऑफ एफ एक्स को देख रहे हैं अगर ये 0 हो गया तो फिर जी ऑफ एफ एक्स डिफाइन नहीं है। नाउ वैल्यूज फाइंड करो एक्स की, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 0 उससे तो मिल जाएगा आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1, और दूसरे वाले से मिल जाएगा मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू 1/4, ठीक बोल रहा हूँ, यहां से एक्स आ गया प्लस माइनस 1, यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा प्लस माइनस हाफ, मॉड हटाओगे तो प्लस माइनस लिखोगे, प्लस माइनस सॉरी मॉड हटाया तो प्लस माइनस 1/4, तो x की वैल्यूज क्या क्या मिल गई आपको, एक तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 मिल गई प्लस माइनस 1, यहाँ से एक्स स्क्वायर मिलेगा 3/4 और एक 1 प्लस 1/4 यानी 5/4। बोलिए सही है, बोल भी दो, तो क्या क्या मिल गया x, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस √3/2 प्लस माइनस √5/2, तो 6 पॉइंट ऐसे हैं जहां पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस √3/2 प्लस माइनस √5/2, इसलिए जो डोमेन लिखोगे जी ऑफ एफ एक्स का, डोमेन ऑफ जी ऑफ एफ, ये लिखोगे ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट प्लस माइनस 1 प्लस माइनस √3/2 प्लस माइनस √5/2, ये
क्या कर रहे हैं? उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जितना नीचे कर लो। और कर दिया बंद, और कर दिया होगा तो कोई फायदा नहीं होगा इसमें। कितना कर रहे हो? छोड़ो, हो गया, अब छोड़ो। देखो लीजिए क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री वेन एक्स लेस देन वन, थ्री माइनस फोर एक्स वेन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। फाइंड एफ ऑफ जी, फाइंड एफ ऑफ जी, उसके बाद ही को ऑल्सो सॉल्व द इक्वेशन एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ टू। ये इक्वेशन सॉल्व की, एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ टू। पहले तो आप एफ ऑफ जी एक्स फाइंड करो और उसके बाद ये इक्वेशन सॉल्व करो, एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ टू।
देखोगे जब ध्यान देंगे जब, पहले तो आपको फाइंड करना है एफ ऑफ जी एक्स, बहुत ध्यान से समझोगे। एफ ऑफ जी एक्स इस सिंपली मीन्स इस फंक्शन में आप x की जगह पे जी एक्स रखते, एफ ऑफ जी एक्स यानी जहां जहां पे x है उसकी जगह पे जी एक्स रखते, तो क्या बन गया ये 2gx प्लस 3, ये तब हो गया जब gx लेस देन 1, 3 माइनस 4gx ये तब हो गया जब gx ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, f ऑफ gx x की जगह पे gx 2gx प्लस 3 gx लेस देन 1, 3 माइनस 4gx gx ग्रेटर देन और इक्वल, और अब इसमें gx की वैल्यू रखो, gx की वैल्यू क्या है x माइनस 1, बनेगा 2 टाइम्स x माइनस 1 प्लस 3, ये तब हो गया जब x माइनस 1 लेस देन 1, 3 माइनस 4 टाइम्स x माइनस 1, ये तब हो गया जब x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, gx जहां जहां पे था उसकी जगह पे x माइनस 1, और अब इसको सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा मुझे फाइनली 2x प्लस 1 when x is less than 2 and minus 4x plus 1 when x is greater than or equal, ये हो गया f of g x। थ्री प्लस फोर बिल्कुल 7, तो ये 2x plus 1 when x is less than 2 minus 4x plus 7 when x is greater than or equal to, ये तो निकल गया एफ ऑफ जी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था सेकंड पार्ट, उसमें कहा गया था सॉल्व एफ ऑफ जी एक्स इज जी ऑफ एफ टू, ठीक, एफ ऑफ जी एक्स जी ऑफ एफ टू, जी ऑफ एफ टू बन क्या जाएगा ये देख लो, g ऑफ f2, f2 की वैल्यू क्या है देख लो, f2 ये निकाल रहा हूं, g ऑफ f2, f2 की वैल्यू 2 पे इसका सेकंड वाला रूल काम करेगा, तो जब आप f2 लिखोगे तो ये होगा 3 माइनस 8, 3 माइनस 8 की वैल्यू हो गई माइनस 5, तो ये g ऑफ माइनस 5 हो गया, बोलिए सही है। Now, g of minus 5 क्या हो जाएगा देखो, x को minus 5 रखोगे तो g of minus 5 बनेगा minus 6, यानी f of gx की वैल्यू minus 6 हो गई। तो g of minus 5 minus 6, अब दो केसेस लेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि f of gx का दो रूल है, अगर x को less than 2 लेंगे तो ये वाला रूल काम करेगा, x पर 2 या 2 से ज्यादा लेंगे तो ये वाला रूल काम करेगा, तो दोनों केसेस आप बारी बारी से लेकर चलोगे। पहला केस, अगर x less than 2 है, if x is less than 2 then, तो हम f of gx, अगर x less than 2 है तो ये वाला रूल काम कर रहा है, तो f of gx की जगह पे हम लिखेंगे 2x plus 1, तो 1 is equal to minus x आ जाएगा इससे माइनस 7 बाई 2, और माइनस 7 बाई 2 इस इंटरवल में आ रहा है लेस देन 2 में, क्योंकि आपने x लेस देन 2 का है तो आंसर भी आपका लेस देन 2 ही होना चाहिए। दूसरा केस लेंगे जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, तो f ऑफ जी एक्स की जगह पे लिखेंगे माइनस 4x प्लस 7, ये हो गया माइनस 6, x आ जाएगा इससे 13 बाई 4, बोलिए सही है, और 13 बाई 4 भी इस इंटरवल में आ रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, और 2 से बड़ा है 13 बाई 4, इसलिए दोनों आंसर होंगे, x की वैल्यू होगी माइनस 7 बाई 2 एंड 13 बाई 4, तो सेकंड वाले केस में आंसर हो गया माइनस 7 बाई 2 एंड 13 बाई 4, समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, fx is equal to
x माइनस वन वेन x इज लेस देन जीरो, x प्लस वन वेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। x प्लस टू वेन x इज लेस देन और इक्वल टू, x माइनस टू वेन x इज ग्रेटर देन वन। ये दो फंक्शंस हैं एफ एक्स एंड जी एक्स। फाइंड द फंक्शन जी ऑफ एफ, फाइंड द फंक्शन जी ऑफ एफ करिएगा इसे।
लोग गप्पे मार रहे हो क्या? तो गप्पे क्यों मारे बैठकर? देखो बेटे, आपको क्या फाइंड करना है? जी ऑफ एफएक्स आपने किया, आपने भी नहीं किया, बैठ के करीब पर टाइम पास कर रहे हो। कहाँ कर लिया, दिखा दो। थोड़े थोड़े लिख के होते हैं। जी ऑफ एफएक्स देखिए भाई, जी ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या हो गया कि ये जो सेकंड वाला फंक्शन है, ये इसमें आप एक्स की जगह पे एफ एक्स रख रहे, यही होगा ना? जी ऑफ एफ एक्स यानी जहां जहां पे एक्स है उसकी जगह पे एफ एक्स लिख दो, तो हो गया एफ एक्स प्लस टू एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स माइनस टू वेन एफ एक्स ग्रेटर देन वन। सेकंड वाले फंक्शन में आपने एक्स को रिप्लेस कर दिया एफ एक्स से, तो जी ऑफ एफ एक्स बन गया एफ एक्स प्लस टू वेन एफ एक्स लेस देन वन, एफ एक्स माइनस टू वेन एफ एक्स ग्रेटर देन वन। और अब हम इसमें एफ एक्स की वैल्यूज रखेंगे, बट प्रॉब्लम यह है कि एफ एक्स की दो वैल्यूज हैं, तो हम दोनों वैल्यूज बारी बारी से रखेंगे। यानी पहले हम इस सेकंड वाले रूल को इग्नोर कर देंगे, हम देखेंगे कि एफ एक्स से एक्स माइनस वन। पहले फर्स्ट वाला रूल देखो, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस वन व्हेन एक्स लेस देन जीरो। तो इसमें जहां जहां पे एफ एक्स दिखाई दे रहा है, जहां जहां भी एफ एक्स दिखाई दे रहा है उसकी जगह पे फर्स्ट वाला रूल रख दो, क्या रख दो, एक्स माइनस वन। तो एफ एक्स की जगह पे एक्स माइनस वन रख दो इसमें, तो ये हो गया x माइनस वन प्लस टू एक्स माइनस वन लेस देन और इक्वल टू एक्स माइनस वन माइनस टू एक्स माइनस वन ग्रेटर देन वन। साथ में ये भी लिख दो कि यहाँ पे x लेस देन जीरो होना चाहिए, क्योंकि जो फर्स्ट वाला रूल है ये वैलिड तब है जब x लेस देन जीरो है, तो साथ में वो कंडीशन भी आएगा कि x लेस देन जीरो होना चाहिए। ध्यान से समझिए क्या किया मैंने, fx का जो फर्स्ट वाला रूल क्या है, fx का x माइनस वन, तो दोनों में आपने fx की जगह पे x माइनस वन लिख दिया, तो x माइनस वन प्लस टू x माइनस वन माइनस टू x माइनस वन लेस देन और इक्वल टू वन x माइनस वन ग्रेटर देन वन, साथ में ये इंटरवल व्हेन x लेस देन जीरो। ऐसे ही अब gx का fx का सेकंड वाला रूल उठाएंगे, क्या उठाएंगे, x प्लस वन, और दोनों में fx की जगह पे x प्लस वन डाल देंगे, दोनों में डाल, तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा x प्लस वन प्लस टू लेस देन और इक्वल टू वन, x प्लस वन माइनस टू व्हेन x प्लस वन ग्रेटर देन वन, और ये वैलिड तब है जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो चार रूल मिल रहे हैं मुझे g ऑफ एफ एक्स के, बहुत ध्यान से समझ लीजिए, अक्सर गलती हो जाती है लोगों से। आपको करना क्या है, g ऑफ एफ एक्स लिखना है। g ऑफ एफ एक्स का मतलब है कि इसमें जहां जहां पे x है उसकी जगह पे एफ एक्स रख दिया, g ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स प्लस टू एफ एक्स माइनस टू एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू वन एफ एक्स ग्रेटर देन वन, ये बन गया। इसके बाद इसमें एफ एक्स की वैल्यू डाल दी, एफ एक्स के चूंकि दो रूल है तो दोनों बारी बारी से आएंगे, यानी पहले एफ एक्स की जगह पे एक्स माइनस वन आएगा दोनों में, और फिर एफ एक्स की जगह पे एक्स प्लस वन आएगा दोनों में, तो एफ एक्स की जगह पे एक्स माइनस वन आया दोनों में इसमें और इसमें, फिर एफ एक्स की जगह पे एक्स प्लस वन आया दोनों में, चार रूल हो गए। पहले जो एफ एक्स को जब एक्स माइनस वन लिखोगे तो एक्स लेस देन जीरो होना चाहिए, तो फर्स्ट टू में एक्स लेस देन जीरो, एफ एक्स को जब एक्स प्लस वन लिखेंगे तो एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो लास्ट के दो में एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर दे, देखोगे जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बना, ये एक्स प्लस वन पहला वाला। और अब इन दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे और जो दोनों में कॉमन वैल्यू होगा वो लिखेंगे, तो देखो इससे क्या आएगा, एक्स लेस देन और इक्वल टू टू, x less than 0, एक कह रहे कि less than or equal to 2 है 2 के इधर, दूसरा कह रहे 0 के इधर, तो दोनों में common value क्या बनेगा, x less than 0, तो इन दोनों में common है वो लिख देंगे, तो x less than 0। दूसरा वाला क्या हो गया, x minus 3, इसमें देखो common बनेगा कुछ, x greater than 2, x less than 0, कोई common value नहीं है, क्योंकि एक आप कह रहे 2 के उधर है, दूसरा आप कह रहे 0 के इधर है, इन दोनों में कोई कॉमन वैल्यू नहीं है, दैट मींस कि ये वाला रूल वैलिड नहीं है, ये रूल रिजेक्ट हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। तीसरा लेंगे x प्लस थ्री, ये वैलिड है कि नहीं, देखो
तो यहाँ से आएगा x less than or equal to 0, यहाँ से x greater than or equal to 0, एक 0 के लेफ्ट पे बोल रहे हैं, 0 के राइट पे बोल रहे हैं, तो इन दोनों में सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट है, वो क्या है, 0, तो ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे वैलिड होगा जब x 0 होगा, बस एक पॉइंट पे सिर्फ, और लास्ट वाला होगा x माइनस 1, इसमें अगर कॉमन वैल्यू देखोगे तो x greater than 0 होगा, क्योंकि ये आएगा x greater than 0, ये x greater than or equal to 0, तो कॉमन वैल्यू हो गया greater than 0. तो अल्टीमेटली g ऑफ f x के तीन रूल हैं, ये वाला रूल वैलिड हो गया, ये वैलिड ही है, तो तीन रूल है x plus 1, x plus 3, x minus 1. x plus 1 वैलिड है when x नेगेटिव, x minus 1 वैलिड है when x पॉजिटिव, और 0 जब लेंगे तो ये वैलिड है x plus 3. ये वाला रूल अल्टीमेटली रिजेक्ट हो गया, ये नहीं वैलिड है. आपने सबसे पहले लिखा g ऑफ एफ एक्स, मींस इसमें x को रिप्लेस कर दिया एफ एक्स से, तो हो गया एफ एक्स प्लस 2 व्हेन एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 1, एफ एक्स माइनस 2 व्हेन एफ एक्स ग्रेटर देन 1, ये आ गया. अब इसमें एफ एक्स की वैल्यू रखोगे तो एफ एक्स की फर्स्ट वाली वैल्यू रखी, क्या एफ एक्स की फर्स्ट वैल्यू क्या है, x माइनस 1, तो इन सभी में एफ एक्स की जगह पे क्या डाल दिया, पूरे में, इस पूरे में एफ एक्स की जगह पे डाल दिया x माइनस 1, साथ में वो इंटरवल लिख दिया जब ये डिफाइंड है x लेस देन 0, तो ये दोनों बन गए. फिर इन सभी में एफ एक्स की जगह पे ये डाल दिया x प्लस 1, साथ में वो इंटरवल लिख दिया जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये दोनों हो गए फर्स्ट टू एंड देन लास्ट, एंड देन उसको सॉल्व कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन के एफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस 3 और x माइनस 1, ये एफ एक्स है. फाइंड एफ ऑफ एफ, फाइंड एफ ऑफ एफ, ऑल्सो सॉल्व द इक्वेशन, ऑल्सो सॉल्व द इक्वेशन एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन सॉल्व. हेलो जी, मोनिका जी बोलिए. नहीं, मैंने तो नहीं भेजा, मैंने तो उनको बोल दिया था कि आपको दे देंगे, आप उनको कांटेक्ट कर लीजिए एक बार. जी हाँ हाँ, वो कोई किसी का फ़ोन आया था, देखना चाह रहे थे. जी जी अच्छा, अभी चाबी उन्होंने नहीं भेजी. अच्छा ठीक है, वो शिफ्टिंग में शायद बिजी होंगे, कोई बात नहीं. कोई बात नहीं, आप नहीं तो आस पास का दिखा दीजिए, सब तो एक ही जैसे हैं वैसे तो सब तो. ठीक है ठीक है ठीक है. क्या नहीं नहीं वैसा कुछ नहीं बोला, आप उसको देख लीजिए. अच्छा नहीं तो वो आप उनसे बात कर लीजिएगा, क्योंकि वो भी तो डीलर ही होंगे ना, जो भी है, तो आपस में आप डिस्कस कर लीजिए जो भी है. हाँ शायद डीलर ही होंगे मुझे लगता है. देखिए मुझे तो एक बंदे को देना, चाहे तो आपको दूंगा या मैं उनको दूंगा, तो आपस में आप देख लीजिएगा, अगर वो डीलर नहीं है तो फिर मैं आपको दूंगा. ठीक है ठीक है ठीक है, आप आपस में डिस्कस कर लीजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है. ठीक है.
ठीक है, आप एक बार उनसे बात कर लीजिए सर। ठीक ठीक फाइव आ रहा है अभी, देख तीन आ रहे हैं, तीन आ रहे हैं, वैसे तीन नहीं होनी चाहिए। पहले तो हम एफ ऑफ एफ एक्स फाइंड करते हैं। जो लोग अभी तक नहीं समझ पाए कंपोजिट को, उसको फिर से एक बार ध्यान से समझें कि आप कैसे लिखोगे। खास करके अगर फंक्शन का एक से ज़्यादा रूल हो तो कंपोजिट लिखने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे इस केस में अगर हम देखें एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स का मतलब है एफ ऑफ एफ एक्स मीन्स एक्स की जगह पे एफ एक्स लिख देना। तो इस फंक्शन में जहां जहां आपको एक्स दिखाई दे रहा है सबको एफ एक्स लिख दो, तो क्या हो जाएगा ये एफ एक्स माइनस थ्री। ये हो गया व्हेन एफ एक्स लेस देन टू। एफ एक्स माइनस वन, लेकिन चूंकि एफ एक्स के दो रूल्स है तो दोनों रूल आपको बारी बारी से रखना होगा। अगर तीन रूल है तो और लेंदी हो जाएगा, क्योंकि फिर तीनों रखना होगा बारी बारी से। तो पहले हम एफ एक्स का फर्स्ट वाला रूल रखेंगे, यानी क्या रखेंगे एक्स माइनस थ्री। तो इसमें जहां जहां पे एफ एक्स दिखाई दे रहा है सारे एफ एक्स की जगह पे आप एक्स माइनस थ्री लिख दो, तो सारे एफ एक्स की जगह पे एक्स माइनस थ्री लिख दो। तो एक्स माइनस थ्री माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री लेस देन टू, एक्स माइनस थ्री माइनस वन, एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन और इक्वल टू टू। और ये फर्स्ट वाला रूल वैलिड था जब एक्स लेस देन टू है, तो साथ में ये भी आएगा एक्स लेस देन टू। क्योंकि आप फर्स्ट वाला रूल रखे, इसमें जहां जहां पे एफ एक्स है एफ एक्स की जगह पे आपने फर्स्ट वाला रूल रखा है एक्स माइनस थ्री रखा है, तो साथ में वो कंडीशन भी लिखोगे जब वो वैलिड होगा एक्स लेस देन टू। अब आते हैं एफ एक्स के सेकंड वाले रूल पे। सेकंड वाला रूल है एक्स माइनस वन। तो इसमें जहां जहां पे आपको एफ एक्स दिखाई दे रहा है इन सारे एफ एक्स में एक्स माइनस वन रखोगे विद दिस कंडीशन। तो एफ एक्स की जगह पे एक्स माइनस वन लिखो, तो एक्स माइनस वन माइनस थ्री, एक्स माइनस वन लेस देन टू, एक्स माइनस वन माइनस वन, x माइनस वन ग्रेटर और इक्वल टू टू। और ये रूल वैलिड है व्हेन x इज ग्रेटर और इक्वल टू। तो ये चार रूल बन गया आपके, चार इसलिए बन जाते हैं कि पहले इन दोनों में एफ एक्स की जगह पे फर्स्ट वाला रूल आया, फिर इन दोनों में एफ एक्स की जगह पे सेकंड वाला रूल आया। तो पहले के लिए दो हो गए एंड देन दूसरे के लिए दो, तो टोटल चार हो गए। अब सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे जब
बहुत ध्यान से देखोगे इधर, पहला रूल बन रहा है x माइनस सिक्स, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां से आएगा x लेस देन 5, यहां से x लेस देन 2। एक बार आप करें 5 के नीचे एंड देन 2 के नीचे, तो दोनों में कॉमन वैल्यू बनेगा x लेस देन 2, लेस देन 5 और लेस देन 2 ऑब्वियसली कॉमन हो गया लेस देन 2। सेकंड वाला हो गया x माइनस 4, इसमें x ग्रेटर देन 5 लेस देन 2 कोई कॉमन वैल्यू नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इससे आएगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 लेस देन 2, एक 5 के आगे दूसरा 2 के नीचे, तो दोनों में कोई कॉमन वैल्यू नहीं है। तीसरा हो गया x माइनस 4 अगेन, इसमें एक x लेस देन 3 और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, तो कॉमन बनेगा 2 से लेकर 3 तक, 2 से 3 तक, क्योंकि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा बट लेस देन 3 होगा, यहां से लेस देन 3 वहां से ग्रेटर देन 2, तो 2 से लेकर 3 तक। और फाइनली जब हम लास्ट वाला सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2 ये होगा जब x ग्रेटर देन, तो ये f ऑफ fx हो गया। f ऑफ fx के तीन रूल हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, बीच वाला रूल आप बैक कर दीजिए, यानी fx का फर्स्ट, इसका f ऑफ fx का फर्स्ट रूल हो गया x माइनस 6 व्हेन x लेस देन 2, x माइनस 4 व्हेन x लाइज बिटवीन 2 एंड 3, और x माइनस 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। कहां पे एक ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है 3 के आगे, और दूसरा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो 3 से आगे 2 से आगे, तो कॉमन तो ही बनेगा ना आपका 3 से इंफिनिटी वाला, कॉमन नहीं समझ रहे आप, नंबर लाइन पे देखो ना, ये 2 है ये 3 है, एक 2 से आगे एक 3 से आगे, तो दोनों में कॉमन क्या होगा 3 टू इंफिनिटी क्या होगा, जब समझा रहा हूँ तो उधर हंसी मजाक कर रहा है, अरे अपना डॉट पूछ रहे हो और फिर पूछ के हंसी मजाक कर रहे हो, तो पूछा ही क्यों करते, चुपचाप से बैठे रहते फिर। आपने कोई सवाल पूछा और पूछ के फिर हंसी मजाक करने लगे, पूछा ही क्यों था फिर आपने, एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू हो गई एक्स माइनस सिक्स व्हेन एक्स इज लेस देन टू, एक्स माइनस फोर व्हेन एक्स लाइज बिटवीन टू एंड थ्री, एंड देन एक्स माइनस टू व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब हम सिक्स कहा गया था, ये क्वेश्चन सेकंड पार्ट पे आते हैं, क्या कहा गया था, सॉल्व f ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, बोलिए क्या था राइट साइड पे 3। तो चूंकि तीन केसेस हैं, f ऑफ एफ एक्स की तीन वैल्यू, f ऑफ एफ एक्स की वैल्यू एक ये है, दूसरी है इसी बीच वाला, तो गायब हो गया, तो तीनों बारी बारी से रख के देखेंगे, यानी पहला केस लेंगे व्हेन x लेस देन 2, दूसरा केस लेंगे व्हेन x लाइज बिटवीन 2 एंड 3, तीसरा केस लेंगे व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो तीनों केस में इसको बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो पहला केस देखते हैं व्हेन x इज लेस देन 2, तो f ऑफ x से 3, तो यहां से x की वैल्यू होगी 9, बट ये पॉसिबल नहीं है, ये इसलिए पॉसिबल नहीं है कि हम पहले ही कह चुके हैं कि x लेस देन 2 होना चाहिए, तो चूंकि ये लेस देन 2 नहीं है तो ये केस पॉसिबल नहीं है। दूसरा केस व्हेन x लाइज बिटवीन 2 एंड 3, तो f ऑफ fx बनेगा x माइनस 4, ये 3, तो x 7 हो गया, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि x 2 और 3 के बीच में होना चाहिए। और तीसरा केस जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 5, सिर्फ यही एक पॉसिबल है, यही एक आंसर होगा x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 इज द ओनली सॉल्यूशन। समझ में आ गई बात, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू, एक्स प्लस 3 एफ एक्स इज एक्स प्लस 3 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए। अगर एफ ऑफ एफ एक्स एक्स के इक्वल रहता है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर तो ए क्या होगा? हो गया, क्या वैल्यू आ रही है? ए माइनस वन होगा, ठीक बोल रहे। देखो क्या गिवन है आपको, गिवन है एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और अगर हम यहां से एफ ऑफ एफ एक्स निकालेंगे इस वाले से, एफ ऑफ एफ एक्स का मतलब हो जाएगा ए एफ एक्स प्लस थ्री, दिस इज एक्स, ये हो जाएगा ना। अगर आप इससे एफ ऑफ एफ एक्स निकालोगे, मीन्स एक्स की जगह पे एफ एक्स रखोगे, तो एफ ऑफ एफ एक्स हो जाएगा ए एफ एक्स प्लस थ्री। बोलिए ठीक है, ये क्या बन गया? अभी इससे एफ एक्स आ गया एक्स माइनस थ्री बाई, तो हमें एफ एक्स गिवन था ए एक्स प्लस थ्री, और अगर हम इससे एफ एक्स निकाल रहे हैं तो एक्स माइनस थ्री बाई ए आ रहा है, दैट मीन्स कि ये दोनों सेम हो जाना चाहिए। एफ एक्स की जगह पे रख दिया ए एक्स प्लस थ्री, तो ए एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू हो गया एक्स माइनस थ्री बाई ए फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू। बोलिए ठीक है, ये एफ ऑफ एफ एक्स एक्स की जगह पे एफ एक्स, तो ए एफ एक्स प्लस थ्री, यहाँ से एफ एक्स निकाल दिया तो एक्स माइनस थ्री बाई, जबकि एफ एक्स हमें गिवन था ए एक्स प्लस थ्री, तो गिवन ये था निकाला ये, तो ये दोनों सेम है। और ये पहले भी कह चुका हूँ कि जब भी दो पॉलीनोमियल सेम हैं उनके कोफिशियंट्स को इक्वेट कर सकते, तो कोफिशियंट्स इक्वेट कर दोगे, इधर एक्स का कोफिशियंट ए, इधर एक्स का कोफिशियंट वन बाई ए, इधर कॉन्स्टेंट थ्री, जबकि इधर कॉन्स्टेंट होगा माइनस थ्री बाई ए। तो इसलिए अगर कोफिशियंट्स को इक्वेट कर दें तो एक्स का कोफिशियंट ए राइट साइड पे वन बाई ए, कॉन्स्टेंट इधर थ्री, उधर माइनस थ्री बाई ए, तो ऑब्वियसली ए जो आ रहा है इससे वो क्या रहा है, माइनस वन आ रहा है, क्योंकि ए अगर माइनस वन लेंगे यहाँ से तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, थ्री और थ्री कैंसिल हो जाएगा, थ्री और थ्री खत्म होगा, ए की वैल्यू माइनस वन, अरे माइनस वन लेंगे भी साइड हो जाएगा दोनों तरफ, यहाँ भी रख के देख लें अगर ए को माइनस वन रखेंगे तो दोनों साइड पे सेम हो जाएगा, क्योंकि ए को माइनस वन रखोगे तो ये बनेगा माइनस एक्स प्लस थ्री, उधर भी बनेगा माइनस एक्स प्लस थ्री, तो
इसलिए ये की जो वैल्यू है ये माइनस वन पे। कुछ बोलना चाहते हैं बोल दो। इसको सॉल्व करते हैं तो ए की दो वैल्यू आती है, स्क्वायर वन आता है, ए की वैल्यू प्लस माइनस वन आती है, बट वो भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ए की वही वैल्यू लोगे जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको तो दोनों सेटिस्फाई करेंगे, वन एंड माइनस वन।